दोस्तों, तुलसी की उन्नत खेती से करें व्यापार की शुरुआत और कमाएं लाखों रुपए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप तुलसी की खेती से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए और पूरा देखिए। इस वीडियो में आप तुलसी की उन्नत खेती करना सीख पाएंगे और जान पाएंगे कि किस तरीके से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं तुलसी की उन्नत खेती करके। यदि दोस्तों आपका भी रुझान खेती की ओर है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। यहाँ पर तुलसी के बारे में आप विस्तार से जानकारी जान पाएंगे। और आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आ जाए, अच्छी लगे और अच्छे से समझ में जाए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि अन्य हमारे भाई बहन मित्र इस वीडियो को देख सकें और अपने लिए कुछ अच्छा सीख सकें। और अभी तक आपने स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें और साथ में इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों बता दें कि इस वीडियो में हम जेनुअल डेटा के साथ जेनुअल जानकारी लेकर आए हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई 2, 4, 10 एक साथ बिजनेस आइडिया नहीं बताएंगे, सिर्फ एक बिजनेस आइडिया बताएंगे जिसमें आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो कैसे, तो चलिए बढ़ते हैं तुलसी की ओर। तो तुलसी एक देवीय और पवित्र पौधा माना जाता है, ये बात आप सभी जानते हैं। तुलसी का उपयोग भारत में व्यापक रूप से पूजा में किया जाता है और भारतीय संस्कृति में तुलसी के पौधे का धार्मिक एवं औषधीय महत्व है। इसके उपयोग से त्वचा और बालों में सुधार होता है और यह रक्त शर्करा के स्तर को भी कम कर देती है। और इसका चूर्ण मुंह के छालों के लिए प्रयोग किया जाता है और इसकी पत्तियों के रस को बुखार, खांसी, पाचन संबंधी शिकायतों में राहत देने के लिए भी किया जाता है। कान के दर्द में भी तुलसी के तेल का उपयोग किया जाता है या फिर मलेरिया और डेंगू बुखार को रोकने के लिए भी इसे निरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कई सारे और भी फायदे हैं इस तुलसी के, जिसकी वजह से इसकी खेती करने में काफी ज्यादा डिमांड बढ़ी है। तो बात करें दोस्तों हम सबसे पहले तुलसी की उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी है, तो उनके नाम है RRLOC। यह तुलसी की एक विशेष जाति है जो 150 से 160 सेंटीमीटर ऊंचे त्रिकोणीय तने वाले रोएदार बहुशाखीय घने लंबे पत्तों युक्त तो और छोटे छोटे हल्के पीले फूल चिरस्थाई होते हैं। दोस्तों इस किस्म में यूजिनॉल नाम एक सुगंधित पदार्थ पाया जाता है। इसके तेल में लौंग के तेल के सभी गुण विद्यमान हैं और इसी कारण इसे लौंग की सुगंध वाली तुलसी भी कहते हैं। इस किस्म का तेल लौंग के तेल का एक विकल्प है जिसका उपयोग सुरस, सुगंध और औषधीय उद्योग के अलावा खाद्य पदार्थों को सुगंधित करने एवं दंत चिकित्सा एवं दंत मंजन आदि करने में भी किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं हम तुलसी की खेती करने के लिए हमें खेत की तैयारी करनी होगी तो वो कैसे करनी चाहिए। खेत में प्रथम जुताई से पहले आपको 200 से 300 क्विंटल अच्छी पकी हुई गोबर की खाद को बिखेर देना चाहिए ताकि वह मिट्टी में अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। और अंतिम जुताई करते वक्त आप रासायनिक खाद जिसमें यूरिया 100 किलोग्राम और 500 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 125 किलोग्राम म्यूरेट और पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एक समान पूरे खेत में बिखेर दें। तुलसी के रोपाई के 20 दिनों के बाद खेत में आवश्यक नमी का ध्यान रखकर 50 किलोग्राम यूरिया देना चाहिए और दूसरी और तीसरी कटाई के तुरंत बाद 50 किलोग्राम यूरिया फसल को देना चाहिए। और यूरिया देते वक्त ध्यान रखें कि यूरिया पौधों के पत्तों पर ना गिरे, अन्यथा इससे क्या होगा कि आपके पौधे के पत्ते जल जाएंगे, यानी कि आपको पौधे के पत्तों को बचाकर इस यूरिया को देना है। अब दोस्तों बात करते हैं हम तुलसी को खेत में लगाने का तरीका कैसा होता है। तो नर्सरी में पौधे तैयार करके एक हेक्टेयर के लिए अच्छी किस्म का 300 से 400 ग्राम बीज ले लें, फिर नर्सरी लगाने वाली जमीन की अच्छी जुताई और खाद करके उसमें 1 मीटर की 8 से 10 क्यारियां एक हेक्टेयर के लिए तैयार कर लें। क्यारी को जमीन से 75 सेंटीमीटर ऊपर उठा देना चाहिए और क्यारी से क्यारी की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए ताकि खरपतवार को आसानी से निकाला जा सके और प्रति क्यारी में 15 सेंटीमीटर की दूरी से बीजों को लगाएं। लगभग 100 बीज एक क्यारी में आ जाएंगे और बीजों को मिट्टी में से ढक देने के बाद उसे पर्याप्त पानी छिड़कती रहें। 8 से 10 दिनों के बाद फिर बीज अंकुरित हो जाएगा दोस्तों आपका। फिर समय समय पर निंदाई गुड़ाई और सिंचाई करते रहें। जब पौधे 12 से 15 सेंटीमीटर लंबाई के हो जाएं, तो उन्हें सावधानी पूर्वक निकाल के खेतों में रोप सकते हैं आप। अब बात करते हैं हम शाखाओं द्वारा रोपण करेंगे तो कैसे करेंगे। दोस्तों यदि आप तुलसी का प्रसार बीज के अलावा टहनियों से भी कर सकते हैं,
इसके लिए तुलसी की 10 से 15 सेंटीमीटर की टहनी को काटकर उसे छाया में रखकर सुबह शाम हजारे से पानी देती रहें और भूमि में एक माह के भीतर उसकी जड़ें विकसित हो जाती है और नई पत्तियां निकलने लगती है। उसके बाद उसे वहां से निकालकर खेत में रोप सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बेस्ट मानी जाती है। तो ये दो तरीके से हम तुलसी की खेती कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका बीज के माध्यम से नर्सरी तैयार करके और दूसरा उसकी टहनियों के माध्यम से। आपको जैसे भी जो भी तरीका उचित लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करें कि कैसे करेंगे पौधे की रोपाई। तो दोस्तों, जब पौधे तैयार हो जाए तब उन्हें 45x45 सेंटीमीटर की दूरी पर उनकी रोपाई कर दें, यानी 45x45 सेंटीमीटर की दूरी पर उनकी रोपाई कर देनी है। और रोपाई का सर्वोत्तम समय जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है। रोपाई के उपरांत हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए और रोपाई के लिए स्वस्थ पौधे ही चुनना चाहिए। बता दें कि RRLOC12 नामक किस्म में रोपाई 50x50 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए, जबकि RRLOC14 नामक किस्म में यह दूरी 40x40 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना आए। अब दोस्तों, हम बात करें इसमें सिंचाई पर किसका ध्यान रखना चाहिए। तो पौधे रोपण के बाद हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है और गर्मी के दिनों में 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई करें। पहली फसल कटाई के बाद भी तुरंत बाद में सिंचाई आवश्यक होती है और सिंचाई से पहले आपके लिए जो पहले हमने वीडियो में यूरिया बताया है, उस हिसाब से जब भी फसल की कटाई हो तब 10 दिन पहले ही सिंचाई बंद कर देना चाहिए और खाद बीज को दे देना चाहिए। अब बात करें हम इसमें खरपतवार नियंत्रण और खुदाई निंदाई गुड़ाई की। तो दोस्तों, तुलसी के खेत में बहुत प्रकार के खरपतवार उगाते हैं, जो फसल की पैदावार में दिक्कत करते हैं और पोषक तत्वों के नाश करते हैं। इसीलिए उन्हें रोपाई के 20 दिन बाद खरपतवार को निकाल लेना चाहिए। फिर जब भी खरपतवार उगे तो उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। यदि आप एक से अधिक फसल लेना हो तो 10 दिन के अंतराल में खरपतवार निकालते रहना चाहिए, ताकि आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और आपको आने वाले समय में इसका उत्पादन भी सही मिलता रहे। अब बात करते हैं हम फसल की कटाई एवं उसके प्रबंधन की। तो दोस्तों, तुलसी की कटाई किस समय की जाए, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, क्योंकि तुलसी के पौधों की कटाई का प्रभाव तेल की मात्रा पर पड़ता है। अतः समय समय पर कटाई करना अति आवश्यक है। जब पौधों की पत्तियों का रंग हरा होना शुरू हो जाए तभी कटाई करनी चाहिए, और कटाई जमीन की सतह से 15x20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ही करनी चाहिए, जिससे शीघ्र ही नई शाखाएं निकलना शुरू हो जाए। और कटाई का कार्य आपको किसी दांतरे, असिये या फिर छुरे से करना चाहिए। और कटाई के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्तियों को तने पर यदि आपको छोड़ना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। इसके अलावा तेल और यूनिनॉल की मात्रा फूल आने की मात्रा में कम हो जाती है, तो जैसे ही फूल आने शुरू हो तो प्रथम कटाई शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि फूल निकलने से पहले हमारी पहली और दूसरी कटाई और तीसरी कटाई कर देनी चाहिए, जिससे कि उसमें यूनिनॉल तेल की मात्रा बनी रहे। और RRLOP14 नामक किस्म की कटाई 3 बार ली जा सकती है, जो कि जून, सितंबर और नवंबर में। जैसे ही पौधा पर फूल आए तो पौधे को जमीन से 30 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़कर काट देना चाहिए, जो कि बेस्ट रहता है। अब बात करें दोस्तों, हम इसमें तेल कैसे निकाला जाता है, ये भी थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बता दें दोस्तों कि आसवन विधि द्वारा तुलसी से तेल निकाला जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर बड़े टैंकों के माध्यम से तेल निकाला जाता है, और आसवन ताजी अवस्था में ही करना चाहिए, अन्यथा तेल की मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों में कमी आने की संभावना बनी रहती है। और RRLOC14 नामक किस्म की कटी हुई फसल को आवन यंत्रों में भरकर उसे 3 से 4 घंटे वाष्प देने से 0.5 से 0.6% तेल निकल आता है, जिसमें 80 से 85% यूजिनॉल होता है। RRLOC12 नामक किस्म कि कटी हुई फसल को 2 से 3 घंटे वाष्प देने से 165 से 170 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तेल निकलता है, और तेल की हरी फसल के लिए वजन
0.45% या इससे अधिक प्राप्त हो सकता है, जिसमें हमें दोस्तों 75-80% मिथाइल सिनामेट होता है और उत्पादन प्रथम वर्ष में लगभग 400 क्विंटल शासकीय उत्पादन होता है और बाद के वर्षों में शासकीय 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होते हैं और आसवन के पश्चात बची हुई पत्तियां खाद बनाने के काम आ सकती है। इससे हाई बोर्ड बनाए जाते हैं और इसे सुखाकर ईंधन के रूप में भी काम में लिया जाता है। अब दोस्तों ये पूरी प्रोसेस पूरी जानकारी जान ली है हमने कि किस तरीके से तुलसी की खेती करना चाहिए, क्या खाद बीज डालना चाहिए, कैसे निंदाई गुड़ाई और सिंचाई करनी चाहिए और यदि हम इसका तेल निकालते हैं तो क्या प्रोसेस होती है। अब दोस्तों आपके लिए बता दें जानकारी के लिए कि तुलसी की खेती पर कई राज्यों में शासन द्वारा अनुदान भी दिया जाता है और अनुदान आप कहां से प्राप्त करेंगे तो इसके लिए आप अपने यहां के जिले के वरिष्ठ उद्यानिकी विभाग में संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपको तुलसी की खेती करने के लिए कोई सब्सिडी कोई अनुदान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। अब दोस्तों आपके माइंड में एक डाउट होगा कि इस तुलसी के बीज को कहां से खरीदेंगे और इसके प्लांट कहां से खरीदेंगे खेती करने के लिए, तो बता दें कि तुलसी के बीज खरीदना हो तो हमने इंडिया मार्ट के वेबसाइट का लिंक दे दिया है जो कि वेस्ट है, जहां से आप तुलसी के बीज खरीद सकते हैं और यदि इसके पौधे खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए हैं कंपनियों के, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। बात करें इसको बेचने की तो दोस्तों आप यदि तुलसी की खेती करने के बाद इस फसल को बेचना चाहते हैं तो आप नीमच मंडी में संपर्क करके वहां भी इसकी पत्तियों को तेल को बेच सकते हैं। यदि वहां भी आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर आपके लिए रेट सही नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए हम इंडिया मार्ट का एक लिंक दे रहे हैं, वहां से आप कई सारे ऐसे बड़े बड़े सप्लायर के कॉन्टेक्ट नंबर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इंडिया मार्ट एक बेस्ट वे है जहां से किसी भी तरह के किसी भी कॉन्टेक्ट को लिया जा सकता है आसानी से, जैसे कंपनी के भी लिए जा सकते हैं और कई सारे ऐसे सप्लायर और बायर्स के भी कॉन्टेक्ट नंबर लिए जा सकते हैं जिनको हम अपनी तुलसी की फसल को बेच सकते हैं। तो दोस्तों तुलसी की खेती से वाकई में लाखों रुपए कमाया जा सकता है यदि सही तरीका हो खेती करने का। यहाँ हमने आपके लिए तरीका बता दिया है कि किस तरीके से कर सकते हैं आप और कितना फायदा होता है। तो दोस्तों वाकई में तुलसी की खेती से लाखों रुपए का प्रॉफिट होता है। यदि आप भी लाखों रुपए का प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो ये तुलसी की खेती कर सकते हैं। और वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए कैसी लगी, पसंद आई हो, जानकारी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछे, क्योंकि अब हम आने वाले सभी कमेंट्स के जवाब देंगे और हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपके माध्यम से पूछी गई जानकारी की पूरी जानकारी जुटाकर आपके सामने पेश की जाए एक वीडियो के रूप में। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, साथ में इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब मिलेंगे ऐसी ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।